वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल IAS यात्रा में। आज का टॉपिक जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, खतरे में हॉर्नबिल। हॉर्नबिल खतरे में क्यों है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC प्रीलिम्स। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीशीज से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन UPSC में पूछे जाते हैं, और मैं एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें साल भर तक के जो स्पीशीज चर्चा में रहे हैं उन पर एक वीडियो लाने वाला हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस एंड नोटिफिकेशंस। सो फ्रेंड्स, ये चर्चा में क्यों है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल के निवास स्थान खतरे में है। प्रमुख बिंदु क्या है, उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि पक्के टाइगर रिजर्व के पास स्थित है, अवैध कटाई और जातीय संघर्ष से प्रभावित है, और इसी के कारण पापुर रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है, और भारतीय पूर्वी हिमालयन जो कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट है के जैविक रूप से समृद्ध जंगलों में महत्वपूर्ण हॉर्नबिल निवास स्थान के नुकसान और गिरावट को दर्शाते हैं तथा आवास संरक्षण के प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। तो महत्व क्या है, तो पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल, जैसा कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था कि तीन प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है, और इसके अतिरिक्त पक्के रिजर्व में हॉर्नबिल की एक चौथी प्रजाति रूफस नेक्ट पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इनकी प्रजातियों के नाम याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय वृक्षों के बीजों को फैलाने में अहम भूमिका निभाने के लिए वन इंजीनियरों या वन किसानों के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये भी UPSC प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि वन इंजीनियर और वन किसान कौन है। तो खतरा क्या है इनके ऊपर, हॉर्नबिल जैसे मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ का उपयोग उनके ऊपरी चोंच के लिए किया जाता है। पूर्वोत्तर में कुछ जातीय समुदायों के सांस्कृतिक प्रतीकों, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के न्याशी के सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में इनके पंखों का प्रयोग किया जाता है, और फाइबर ग्लास के प्रयोग के बाद संरक्षण कार्यक्रम के बाद पक्षियों के लिए खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया है। भारत में हॉर्नबिल की क्या स्थिति है, भारत में हॉर्नबिल की 9 प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 पश्चिमी घाट जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय ग्रे हॉर्नबिल भारत का स्थानिक है ये, और मालाबार ग्रे हॉर्नबिल पश्चिमी घाट का स्थानिक है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल श्रीलंका का स्थानिक है, और व्यापक रूप से पाया जाने वाला ग्रेट हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, आपको याद रखना चाहिए इसको, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, और ये आजकल चर्चा में है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है पूछे जाने की। इसके अतिरिक्त रफ नेक्ड हॉर्नबिल, ऑस्टेन की ब्राउन हॉर्नबिल, जिसमें ग्रेट हॉर्नबिल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियां और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में पाई जाती हैं। भारत में हॉर्नबिल की एक ऐसी प्रजाति नारकोंडम हॉर्नबिल भी है जिसकी संख्या बहुत कम है, तथा जो केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोंडम द्वीप पर पाई जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नारकोंडम द्वीप पर पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है, और नारकोंडम द्वीप स्वयं कहाँ पर है। तो पक्के टाइगर रिजर्व जिसे पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वी कामेंग जिले में स्थित एक टाइगर रिजर्व है, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा रिजर्व के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 862 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन है, बिना गूगल किए बताएंगे तो अच्छा रहेगा, आप बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो इस टाइगर रिजर्व ने संकटापन प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार जीता था। यह भी बहुत ज़रूरी फैक्ट है ये। यह उत्तर पश्चिमी में भारेली या कामेंग नदी और पूर्व में पक्के नदी से घिरा है, और पक्के टाइगर रिजर्व का नाम भी इस पक्के नदी के ऊपर ही पड़ा है। पक्के टाइगर रिजर्व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ बिल्ली परिवार की 3 बड़ी प्रजाति बंगाल टाइगर, इंडियन लेपर्ड और क्लाउडेड तेंदुआ पाया जाता है, और यहाँ
विश्व स्तर पर लुप्त प्राय सफ़ेद पंखों वाला वाइट विंग्ड वुड डक भी पाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र उनका भी जिक्र कर लेते हैं। नामदफा यह पूर्वी हिमालय में अवस्थित एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है और यह 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तराई सदाबहार वर्षा वन क्षेत्र में अवस्थित है और कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य और जीवों से समृद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है। सो फ्रेंड्स, ये पक्के टाइगर रिजर्व की पिक्चर है, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप नोट एंड सी यू फॉर नेक्स्ट एंड फर्दर वीडियोज़। सो फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।